अस्सलाम वालेकुम। आज आयत हमारा व्लॉग स्टार्ट करेगी। आयत सामने देखो, सामने तो देख दो। चलो आयत तो भाग गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह जैसे उठी हूँ ना, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग थी उसको करने के बाद फिर मैंने अपना व्लॉग एडिट किया। अभी अभी व्लॉग अपलोड करके बैठी हूँ और एडिट किया और यहाँ पर फिर इधर ही बैठ गई हूँ। फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया है, ये चीज़ समझा रहे हैं, वो चीज़ समझा रहे हैं, घर के बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, इसके अलावा रेंट देना था, और इसके अलावा क्या था, रेंट तो खैर देकर गए थे, इसके अलावा बच्चों की फ़ीस का बता रहे थे कि वो जमा करो और फारूक भाई को दो, वो भर के आए फीस। बस ये सारी चीज़ें, मतलब मैं उनको समझा रही हूँ कि अब मेरा दिमाग वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। पहले तो बहुत एक्टिव हुआ करता था, ये जॉब भी करते थे तो मैं भी जॉब करती थी और सब कुछ संभाल भी लेती थी घर पर। लेकिन अब इसके अलावा आप सब सुनाओ क्या चल रहा है। मेरी लाइफ में तो यही चल रहा है कि मतलब वैसी व्लॉगिंग नहीं मुझसे हो पा रही जैसे मैं पहले व्लॉग बनाया करती थी, जैसे पहले व्लॉगिंग होती थी। मतलब ऐसे लगता है दिमाग एकदम से सुन्न हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन करना है, छोड़ूंगी नहीं, हिम्मत है, जब तक जान है, जब तक सांसें चल रही इसको मैंने चलाना है। आ गई। ये पता है क्यों रो रही है? क्योंकि फारूक भाई गए अभी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, तो इसको भी साथ में ही जाना था। मतलब बाइक भी, अब वो उनको भी उठाएं, साथ में बैग भी है, तो इसको कैसे लेकर जाएं? गाड़ी फारूक भाई ड्राइव कर नहीं सकते, तो बस हम माँ बेटियाँ बैठी हैं घर में और क्या काम करें, है ना? क्या मसला है? ये डस्टबिन लेके कहाँ जा रही हो? क्या सफाई करनी है? देखो वो सोफे के, वो देखो वो कुशन आपने वहाँ फेंक दिया। आयत मैं आपका क्या करूँ? घर में एक एक चीज को बना के रखो और आयत हर एक चीज को उठा के वहाँ फेंकेगी, वहाँ से यहाँ फेंकेगी। होती रहो, आपको कोई बात नहीं करेगा आपसे। बस बस मेरा बेबी का बनाना, मोमो को बनाना। अभी आपके बहन भाई भी आ जाएंगे, ये पकड़ो बनाना, पकड़ो। गुड गर्ल, मेरा बच्चा, मेरा बेबी, मत रो, अभी आ जाएंगे सब। स्माइल देखो, आपको देख के हंस रही है। भाई वेलकम नहीं करोगी? कैसे भाग के बोलती हो वेलकम? हाँ आज चुप चुप खड़ी हुई है। अंदर आके निकाल लिया करो ना तेरी बाजूते। आप देखो भाग के आ रही है, वेलकम। आप जैसे आए हो, सारे घर की लाइट्स भी अभी ऑन कर रही है बच्ची कुची लाइट्स। टीचर को देने थे ना पैसे, क्यों नहीं दिए? 27 रुपीज या 2700? 27 रुपीज चाहिए थे तो फिर चेंज करा के दे देती ना। आपको देख कितना खुश हो रही है, पहले रो रही थी। इसके साथ थोड़ा सा खेल लो, बाद में फिर चेंज करना यूनिफॉर्म। आया था, अभी छुप रही हो, आपके बहन भाई आ गए, आप छुप रही हो। बहुत मिस करती है जब जाते हो। चलो आ जाओ खाना खा लो, खाना खाते हैं, आ जाओ बैठो मुस्तफ़ा, जल्दी से आ जाओ। तो अभी फारूक भाई जैसे बच्चों को लेने गए थे, साथ में बिरयानी बाहर से लेकर आए, इनका चावल के बगैर गुजारा नहीं है। और आलू और कीमा का जो सालन है वो फारूक भाई ने खुद तैयार किया है, और मैंने तो खैर पहले भी टेस्ट किया है, बहुत मज़े का बना हुआ है, बच्चे अभी खा रहे हैं। बुलाया मैंने बाबर को, यहाँ पर इन दोनों का स्कूल का काम चल रहा है, तो बाबर लेकर जाएगा फारूक भाई को, मोबाइल दिलाएगा। तो आज फारूक भाई को कोई अच्छा सा मोबाइल दिलाते हैं, ढूंढ के अच्छा सा मेरे भाई को मोबाइल दिला कर दो, उसी पेन का भी चैनल बनाएंगे। ठीक है, आज लगता है बाबर की तबीयत भी सही नहीं है, ऐसे इंशाल्लाह ऐसे कर रहे हैं, बुखार आया हुआ है। चलो बाहर निकलोगे ना तबीयत थोड़ी अच्छी हो जाएगी। खाना जो है ना हम सबका हो गया है। आज मुझे आपको दो बातें बतानी, एक तो मतलब एक हमारी गुड न्यूज हो गई और एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि सुबह सुबह उठ के जो मुझे टेंशन हुई है ना, मेरा जो ऐप था वो हो गया ब्लॉग, जहाँ से मैं अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ, और एडिटिंग तो मतलब लाजिम है, डेली एडिटिंग करना पड़ता है, और वो ब्लॉग हो गया। उसको अनब्लॉग करने के लिए फिर मैनेजर घर पर, उनको मैंने बुलाया था, क्योंकि मैंने वो ऐप जो है ना परचेज किया हुआ था एक साल पहले का ही, तो उसमें क्या हुआ है कि जैसे एक साल पूरा होता है ना, टाइम पूरा होता है, तो उनकी तरफ से एक कोड आता है जो कि हम तो रात सो गए 12 बजे के बाद आया और हमें पता नहीं चला, और उन्होंने जो है ना ब्लॉक कर दिया कि ये पैसे नहीं भरते और ये ऐसे ही ये फ्री में चला रहे हैं, शायद इस वजह से, ये मैनेजर का कहना है। तो 2-4 घंटे उन्होंने दिमाग खपाए, वो तो नहीं हुआ, खैर वो फिर कहते हैं 24 घंटे बाद ही होगा। तो मैंने नॉर्मल सा अभी फिलहाल ऐप इंस्टॉल कर दिए। अब आते हैं गुड न्यूज़ पे। गुड न्यूज़ क्या है, जो मैंने दूसरा अपना चैनल खोला था सितारा का आसमान, वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से अभी कुछ ही देर पहले मोनिटाइज हुआ है, वरना मैं तो पहले उसमें 2-4 घंटे हमने उसमें निकाल दिए, वो ऐप इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, मतलब वो परचेस ही नहीं हो रहा।
तो उसकी टेंशन अलग से थी, और अभी मतलब इतना ज़्यादा खुशी हुई है कि वो वाला दिमाग से ही निकल गया। मतलब कहीं ना कहीं से खुशी तो मिली है, और मुझे लगता है जैसे खुशियाँ इतने टाइम से आ ही नहीं रही थी घर पे, और चैनल नया मेरा मोनिटाइज हुआ, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा खुशी कि जल्दी हो गया ना मोनिटाइज भी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और उसके बाद आप सबका बहुत बहुत थैंक यू सितारा के आसमान को, इतना आप सबने प्यार दिया कि हमारा चैनल मोनिटाइज हो गया। अब दुआ कीजिएगा कि महीने बाद जो है ना उसका पिन अप्लाई, पिन तो खैर अभी अप्लाई कर देंगे, वो भी आ जाए। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। सबसे पहले पानी भी आ गया हमारा, और मोबाइल मिला, मिला होगा ले तो है, खुश हो रहे हैं मोबाइल मिला होगा। बाहर गए थे, तुम्हारी तबीयत सही हुई नहीं? सही हुई, केले खाओ, चाय वाय पिलाती हूँ, ठीक हो जाओगे। भाई जैसे आए सबके लिए मैंने यहाँ पर रात की चाय रखी है, और इसके अलावा आयत के लिए बनाना जब भी जाते हैं भाई बाहर से लेकर आते हैं। मौसम भी ठंडा होता जा रहा है ना, तो रात में चाय अच्छी लगती है, और काफी टाइम से मैंने आपको चाय भी नहीं दिखाई। और छोटे बच्चों की तरह देखो ये कौन आया हुआ है, पांडा की तरह पांडा बनते जा रहे, मोटे होते जा रहे हो। लग तो नहीं रहा, या फिर शर्ट आज लूज पहन के, क्या पता लगेगा। थोड़ा बुखार आया ना अभी, थोड़ा हल्के हो जाओगे। बुखार अच्छा अच्छा होता है, वजन जल्दी कम। हाँ वजन जल्दी कम करता है, साथ देने के लिए। हाँ तो अभी ये चाय पे खड़ा है कि कब चाय बने और मैं जल्दी घर निकलूं। यहाँ पर हमारी मजेदार सी चाय भी तैयार हो गई है, जो आपको मामू के साथ सोना पड़ेगा, ठीक है? जिंदगी में नहीं सोगी, आंखें खोल के बात करो जरा मामू के सामने, उनके साथ सोना पड़ेगा। रात को पता है ये क्या करते हैं, ये सोने नहीं देते फारूक भाई को। आज फारूक भाई ने कहा है कि मेरे साथ ही सोना, कुंडी लगा कर सोएंगे। इसे अपने साथ सुलाए और बाहर नहीं निकलने दीजिएगा। दिलचस्पी भी कम हो रही है, और टाइम पर उठता भी नहीं है सुबह। ऐसे ऐसे ये रात को मैं आई ड्रॉप डालकर सो गई हूँ, और ये जाग रहा था। सुन रहे हो ना मामू क्या बोल रहे हैं, आपको उधर ही सोना है, फिर इधर क्यों छुप के खड़े हुए, और देखो पीछे किचन भी सारा गंदा कर दिया मैगी बनाकर। अभी उनके सामने जाओ, आपसे पूछते हैं आपको पसंद आया। जी जी मुझे तो सेट बहुत अरे जैसे हमारा है ना वो दूसरा सैमसंग, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है। गया था क्योंकि उसको ज्यादा तजुर्बा है। हाँ, आपको खुशी है कि आपको अच्छा मिल गया ना सेट? बिल्कुल, तो ये मोबाइल लग भी वैसे प्यारा रहा, बिल्कुल सेम वैसा लग रहा है मुझसे। वो दिखाओ हमारा वाला, एकदम से देख के ना वैसा लगा कि ये वही है सैमसंग। दिखाओ इसकी बैक साइड से, एक ही जैसे लग रहे हैं ये, यहाँ से ना तो कर्व हुआ। हाँ बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। ये वाला सेट बहुत अच्छा है, मेरे पास भी एक साल हो गया इसको, एक साल तो खैर नहीं हुआ, होने वाला होगा इसको भी, काफी टाइम से अच्छा सेट है वो। हाँ, तो उससे तो ये वाला बहुत अच्छा है ना, वो तो चल ही नहीं रहा था, वो खराब हो गया, वो नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने काफी कॉल भी अटेंड में नहीं कर सकता, कभी वो काम करता है कभी। अभी अम्मी का भी फोन इनको आता है ना, तो अम्मी से भी ये सही से बात नहीं कर सकते, तो मैंने कहा चलो अम्मी से तो अब सही से बात होगी हम सबकी। अब दुआ कर रहे हैं सब फैमिली फ्रेंड्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रही है पाकिस्तान, तो बहुत ही अम्मी तो इंशाल्लाह आ जाएंगी। और उसके अलावा ये भी है कि जो है ना आपका बात करना भी बहुत जरूरी होता है उनसे, जाते हैं। हाँ जैसे गांव में तो वो उस पर नेट बिल्कुल नहीं चलता। और मेरी तरफ से तमाम फैमिली फ्रेंड्स को, यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत प्यार और सलाम। हाँ। और इंशाल्लाह मैं अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ दूसरा, तो और इंशाल्लाह भी नाम इनका सोचेंगे और नाम फिर बताएंगे इनके चैनल का। सरप्राइज है मेरे चैनल का क्या नाम होगा जी, तो मैं आपको कल या परसों शेयर करके इंशाल्लाह बताऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और वहाँ पर फारूक भाई आपको अपनी कुकिंग दिखाया करेंगे, अपने हाथों का कमाल दिखाएंगे। सभी फ्रेंड्स कमेंट्स में कहते थे कि आप अपना कुकिंग दिखाएं। हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अपना नया चैनल खोल रहा हूँ, और उसमें डेली की आपको जो है कुकिंग सिखाएंगे, शेयर करूंगा और सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और साथ साथ हम भी सीखेंगे। भाई का इंटरव्यू हो गया, अभी सोने का भी टाइम है। ये पंजाब की इनकी रूटीन है, ये टाइम से सो जाते हैं जल्दी, सुबह काम पे निकलना होता है, यहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। हाँ, तो इनकी आदत बन, वैसे भी लेट हो गए हैं, मोबाइल लेने की खुशी में मैं गया था मार्केट बाबर के साथ, लेट हो गए। हाँ नहीं नहीं आप सोए आराम से, फिर उठते नहीं है, चलो अभी आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। मुस्तफा मुस्तफा यहाँ पर, ये देखें फारूक भाई की जगह यहाँ पर बनी है, तो आज हमने सोचा मुस्तफा को यहाँ लिटाते हैं। फारूक भाई से फिर भी थोड़ा डरता है, इसको डर होता है। हाँ क्या क्या बोला पहले, कुछ इंग्लिश में इसने बोला है, देखो भाई छुप गया ये, तभी ढूंढो इसको, जैसे सोने जा रहे हैं ना आपका सुन के छुप गया आप।
आपको क्या कहा है मामू ने के उसके साथ सो ना एक चांस दे रहे हैं आज, अगर ये नहीं उठाना मतलब अगर आप टाइम पर सो गए तो मेरे साथ ही सो गए, वरना फिर मामू के साथ सोना पड़ेगा। क्या मैं कल रात को उठी मुझे वॉशरूम जाना था, देखा भाई नहीं कर रहा। नहीं था ना, ये यही करता है, हम सब सो जाते हैं और ये उठ जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ आपको कि आज लास्ट वार्निंग है, लास्ट चांस दिया आपको, मामू को पिलो दे के जल्दी आओ सोने के लिए। हमारी बैल्कनी से ना आज चांद इतना खूबसूरत लग रहा है, और पता है यहाँ पर कैमरा में मैं जब भी दिखाने की कोशिश करती हूँ ये बीच में जो लाइट है ना ये सारा ख़राब कर देती है, तो इतना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ से। वहाँ पर सोफे पर मैं सामने बैठूँ ना तो वहाँ क्लियर इतना प्यारा लग रहा है। हाँ अब वाइड एंगल से देखो, वाइड एंगल से दिखा रही हूँ, फिर ये ज़्यादा दूर हो जाता है ना तो इस तरीके का कुछ दिख रहा है। 12 से भी ज़्यादा ऊपर टाइम हो गया लेकिन ट्रैफिक यहाँ से पूरी रात ख़त्म नहीं होती। बच्चों को ज़बरदस्ती मैं लिटा के आई हूँ, मतलब तैयबा मुझे तंग नहीं करती, मुस्तफ़ा थोड़ा तंग करता है, इधर उधर भाग जाना, मोबाइल उठा लेना, आईपैड उठा लेना, तो उसको जल्दी सोने की मुस्तफ़ा को आदत नहीं है, और टाइम पे सुबह उठ जाता है, तंग नहीं करता, पहले बहुत तंग करता था लेकिन अब टाइम पे तो उठता है, लेकिन उसका यही है कि चलो नींद उसकी पूरी होनी चाहिए, बहुत लेट कर देता है। और इसके अलावा फारूक भाई को मोबाइल गिफ्ट किया, इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी उनके फेस पर, खुशी एक स्माइल देख के। और पहले भी मैंने उनको मोबाइल जब गिफ्ट किया था ना तब भी मैंने उनको मतलब बहुत महंगा नहीं था, नॉर्मल वाला ही उनको गिफ्ट किया था उस टाइम पे, आज से तकरीबन कोई 10-11 महीने तो होने ही वाले हैं, तो तब मैंने उनको गिफ्ट किया था, उनको बहुत पसंद आया था, क्योंकि जब मैंने उनको गिफ्ट किया था उससे पहले उनके पास बिल्कुल एक सिंपल सा नॉर्मल सा मोबाइल था जिस पे वीडियो कॉल भी नहीं हो सकती थी, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था, एक आम सा से छोटा सा मोबाइल था बटन वाला, तो वो दिया था तब भी बहुत खुश हुए थे, लेकिन उस पे ये था कि मैंने अच्छा इतना मतलब बहुत अच्छा सेट नहीं था, तो वहाँ पर जैसे गांव में रहते हैं ज़मीनों में काम वाम करना इधर उधर जाना तो वो भी मोबाइल इतना काम नहीं कर रहा था उनका, तो अभी मैंने उनको ये गिफ्ट किया तो उनको बहुत खुशी हो रही थी कि अब ईजिली जो है ना वीडियो कॉल भी हो जाएगी, व्हाट्सएप कॉल भी हो जाएगी, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब वो अगर मेरे लिए इतना केयर करते, मेरे लिए इतना सोचते हैं कि उनको इतना तक पता चला है कि डॉक्टर ने मुझे इस चीज़ के लिए भी मना किया है कि मैं कुकिंग करती हूँ, तो मतलब एक जो गर्मी है वो कुकिंग की और भाप जो होती है चूल्हे की वो मतलब बिल्कुल भी करीब ना खड़ी हूँ, जितना हो सके मैं एक सुकून करूँ और मतलब ठंडक रहे मेरी आँखों को, तो उसके लिए भी वो कुकिंग मुझे नहीं करने देते, ज़्यादा से ज़्यादा रोटियां बाहर से लेकर आते हैं, सालन खुद बना देते हैं, और सुबह भी मैं बच्चों के लिए जब स्कूल के लिए उठती हूँ तो कोशिश करते हैं वो चाय रख देते हैं, मैं पराठे बना दूँ, तो बच्चों को जल्दी जल्दी उनको उठाना, उनकी यूनिफॉर्म मुझे वो करके देना, अगर मतलब ये नहीं है कि मैं उनके ऊपर डाल देती हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ तो साथ साथ जल्दी से बाकी का और कर देंगे तो मेरे लिए आसानी कर देते हैं, मैं उनको बहुत रोकती हूँ कि नहीं भाई इतना नहीं करें, लेकिन वो मेरे लिए सब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ इस वजह से कि वो मुझे अपनी एक छोटी बहन समझ के मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी आज का व्लॉग एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।